हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सूट में लगाने वाली जो है लटकन सिखाएंगे। देखिए, ये हमने ऐसे फैब्रिक ले लिया है लटकन तैयार करने के लिए। इसकी लेंथ हमने 5.5 और इसकी जो विड्थ है वो भी 5.5 रखी है। इसकी लंबाई चौड़ाई सेम रखी है। देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड करना है। और अब एक बार और फिर से फोल्ड करना है। देखिए, ये जो इसको प्रॉपर से सेट करते हुए यहाँ से इसको निशान लगा के कट कर लेना है। ये जिसकी नोक बनी हुई है इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से ऐसे काट देंगे इसको और इसको प्रॉपर शेप देंगे। ये राउंड सी शेप आ गई है। अब इसको बीच में से कट करेंगे। ये 2 पीस हो चुके हैं। ये हमने सीधा हिस्सा जो है इसका अंदर की साइड रखना है। इस तरह से इसको लेस, अगर जो आपने लेस लगानी है तो लेस को इस तरह से इस पर अटैच करें। ये देखिए, यहाँ मैंने जो लेस रखी है वो फैब्रिक पे ऊपर की साइड उसका उल्टा हिस्सा है, और ये जो किनारी है लेस की इनको अंदर की साइड रखा है मैंने। और इस तरह से इसको उसके साथ साथ घुमाते हुए पूरे पे स्टिच कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, यहाँ से इसको फिर से स्टिच करना है, दूसरा फैब्रिक भी इसके ऊपर रख के, और इस पर स्टिच लगाना है। इस तरह से दोनों फैब्रिक एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। आजकल इस तरह की जो लटकन है उनका बड़ा ही ट्रेंड है। ये देखिए, इस तरह से इसको पलट लेंगे। ये हमारी बड़ी ही फिनिशिंग से रेडी हो गई है। ये देखिए, ये प्रॉपर फिनिशिंग आई है इसकी। अब इस तरह से ये जो हमने डोरी तैयार की है इसको रखेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने अंदर की साइड जो हमारा सीधा हिस्सा है उसकी साइड को में डोरी को रखा है। हमारी राइट साइड अंदर की साइड है। ये देखिए, यहाँ से स्टिच लगाना है। इसको इस तरह से खींचते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ से पक्का करके उतारेंगे मशीन को। ये मैं यहाँ आपको एक तैयार करके दिखा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसी तरह से जो बहुत सारी जो मल्टी शेड में भी लटकन तैयार करते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ ये हमारी लटकन तैयार हो गई है। ये देखिए, मैंने यहाँ दो डोरियाँ ली हैं और उनमें दो लटकन तैयार की हैं। ये मल्टी शेड में भी आप तैयार कर सकते हैं और अपने सूट या ब्लाउज में लगा सकते हैं।